हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन विद एनी क्यू। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बहुत ही क्विक बनाएंगे एक अनियन चटनी, जो कि एक ऑप्शन है जब आपके पास टमाटर या धनिया या कोई और चीज़ ना हो चटनी बनाने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल अनियन चटनी। बेसिकली द ओनली मेन थिंग टू वरी अबाउट इज कि इसको प्याज को आपने बारीक काटना है। जैसे ये स्लाइसिस एक प्याज के मैंने काटे हुए, दे शुड बी रियली थिनली स्लाइस्ड। आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। इसमें बेसिकली प्याज का आपने टॉप रिमूव कर देना है, जो इसका बैक एंड है इसको इसी तरह अटैच रखना है। द रीज़न बीइंग कि इससे इसकी जो अंदर की पार्ट्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। सो इसको इसी तरह आप हाफ में चॉप करें। अब वो रूट वाला पार्ट उसके साथ है, इसी वजह से इसके जो अंदर के पील्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। इसी तरह आप इसको, नाउ इट्स ईजी टू हैंडल, अब इसको आप थिनली स्लाइस कर सकते हैं विदाउट यू वरिंग अबाउट गेटिंग योर फिंगर्स कट। सो बेसिकली आप पकड़ के इसको आराम से थिनली स्लाइस कर लें। See the beautiful colors, धनिया का और रेड अनियन का साथ में मिर्चों का। We'll dish this out now. ये है हमारी अनियन चटनी तैयार। You can have it with दाल चावल, which is a perfect combination, or any curry of your choice. बहुत मजे का tangy flavor है, and it can be whipped up in under 5 minutes. So I hope you enjoy making this. Please do let me know if you have any questions, and remember to like and subscribe to my channel. Sincerely appreciate your support. Thank you so much for watching.